मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। साहब की अंग्रेज बीवी मुसलमान हुई तो वो कलमा पढ़ाने के लिए किसी मौलाना साहब के पास लेकर गए। मौलाना साहब ने उसको दीवार के पीछे बिठा दिया, उस अंग्रेज खातून को, और पता नहीं इशारों से कलमा, आवाज भी नहीं जा रही थी तो वो उसको कोई इशारों से कलमा पढ़ाए। वो बेचारे बहुत ही सीधे साधे से होंगे तो वो अंग्रेज खातून डर गई ना कि पता नहीं मुझे कोई बीमारी लगी हुई है जो ये इतना दूर इन्होंने बिठाया। अब वो मौलाना साहब बेचारे अपने लिहाज से एहतियात कर रहे हैं, उनको जितना अल्लाह ने अकल दी, शऊर दिया। वो खातून तो इस चीज की आदी नहीं है ना, उसने इसकाफ तक तो सुना है, उसने ये नहीं सुना कि दो दीवारें दरमियान में, महरम और ना महरम के दरमियान में इतनी दीवारें हाइल होनी चाहिए। वो डर गई तो वो कहने लगे, वो जब इस्लाम कबूल किया तो रो रही थी, मैं समझा खुशी में रो रही, पता चला वो अभी से रोना उसने शुरू कर दिया। कोरोना से नहीं रोना आया उसको, इस मंजर से रोना आ गया। तो अब वो बेचारे मौलाना साहब, उन्होंने अपने लिहाज से बहरहाल जो वो समझते थे सही किया, लेकिन अगर उन थोड़ा सा वो उस कल्चर को समझते, सही है ना, और इस्लाम की जो यहां जितनी गुंजाइश दी है इस्लाम ने उसको समझते, तो इतना डरावना इस्लाम बना के उसके सामने पेश ना। वो अपने लिहाज से, मैं उन पर तंज नहीं कर रहा, वो बेचारे गाँव के देहात के जितनी अल्लाह ने उनको सेंस दी उस हिसाब से किया। लेकिन भाई ऐसे मौके पे हमें जो अहादीस मिलती हैं, खवातीन तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आके कितने सवालात खवातीन ने पूछे हैं। मैं उनका, भाई बुखारी की हदीस है कि खातून नबी की महफिल में आके कहा कि या रसूलल्लाह मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। अब आज अगर किसी मौलाना साहब कोई बैठे हुए हों और उनकी महफिल में कोई खातून आके बोले कि मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, तो मौलाना साहब भी दायरे इस्लाम से खारिज और वो खातून तो दायरे इस्लाम से बिल्कुल ही खारिज। और ये वीडियो अगर YouTube पे आ गई तो दोनों की वाट लग गई कि नहीं लगी। तो पर्दा करना वैसे भी औरत पे फर्ज है, मर्द पे नहीं है। अगर किसी औरत की तबीयत में इतनी हया है कि वो कहती है मैं सामने नहीं बैठूंगी, बहुत अच्छी बात है, उसको शरीयत अप्रिशिएट करती है, लेकिन ये औरत का काम है कि उसने सामने बैठना है या पर्दे के पीछे या दीवार के पीछे या कुस्तुंतीनिया की दीवार के पीछे बैठना है, उसने इतनी मोटी थी, ये किसका काम है, बोलो ना भाई, औरत का काम है। बाज औरतों में बहुत ज्यादा हया होती है जो कि अच्छी बात है, तो शरीयत ने कहा है कि भाई आप इसको मजबूर नहीं कर सकते। मैंने जब शुरू में कॉल टाइमिंग का 2007 में ना मैंने सिलसिला शुरू किया तो मैंने अनाउंस किया कि भाई जो खवातीन आवाज का पर्दा करती हैं तो वो ईमेल पे मसला पूछ लें और जो फोन पे डायरेक्ट बात करना चाहती हैं तो ये टाइम है। सो बाज लोगों ने इतराज किया, ये क्या हो रहा है भाई, अगर डायरेक्ट बात करना खातून का बुरा है तो फिर हर एक के लिए बुरा है, फिर सभी ईमेल पे पूछें, और अगर बुरा नहीं है तो बाकी ईमेल पे क्यों पूछें, वो डायरेक्ट कॉल करके पूछें। तो ये समझ लें, ये जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं ना, अब सब इस वाक्य से समझ में आएगी। बास खवातीन की तबीयत में हया होती है, वो नहीं चाहती कि हमारी आवाज किसी मर्द के कान में पड़े, चाहे वो मुफ्ती हो, आलिम हो, बुजुर्ग हो, तो उनको मजबूर करना कि आपने कॉल करके ही पूछना है, तो ये आप, इसका मतलब है कि आप उनकी जो हया उनके अंदर अल्लाह ने फितरी तौर पर रखी है, आप उसको जबरदस्ती उस हया के खिलाफ चलने पर मजबूर कर रहे हैं। हया भी तो एक निजी मामला है ना किसी का, उसमें शरीयत ने एक हद तक तो बाउंड्री खींची है कि भाई इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसके बाद लोगों को आजाद रखा है। हमें सहाबियात में ऐसी खवातीन भी मिलती हैं जो अपने लिबास का भी पर्दा करती थी, जिनको मुखद्दरात कहा जाता था। मुखद्दरा उस औरत को कहते हैं जिसके बुरके पे भी किसी की नजर ना पड़े। जब ये हम हदीसों में पढ़ते थे तो हमें समझ में नहीं आता था ऐसी औरतें भी होती थी, तो हमारी दादी हमें बताया करती थी, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, कि हिंदुस्तान में वो बताती थी कि जो मालदार औरतें होती थी ना वो इसी तरह पर्दा करती थी। चूंकि दादी का हमारे बहुत मालदार फैमिली से ताल्लुक था तो वो हमें बताती थी कि हम जब घर से बाहर निकलते थे तो गली को दोनों तरफ से बंद किया जाता था, समझ रहे, तंबू लगा के घर को ना, इधर से भी इधर से भी, फिर डोली में बैठते थे और वो डोली उठा के, भाई गधे घोड़ों पे सफर नहीं, जो औरतें हैं ना वो इस तरह करती थी सफर,
फिर उस डोली को बिठा के गधा गाड़ी पे रखें या बैलगाड़ी पे रखें या जहां भी ले जाके रखें। तो बड़े घरों में ये अलामत समझी जाती थी, ये फखर किया जाता था, भाई इन घर की औरतें ऐसे पर्दा करती हैं कि उनके लिबास पे भी किसी की नजर नहीं पड़ती। तो इसमें अगर कोई हरज ना हो तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर कोई औरत ये पर्दा ना करना चाहे तो आप उसे मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि सहाबियात में ऐसी औरतें भी थीं जो इस तरह पर्दा नहीं करती थीं। तो एक तो वाजिब पर्दा है, उसकी तो शरीयत ने हकाम बयान कर दी है, उससे ऊपर क्या है, मुस्तहब है, गरेबी है। तो अगर किसी कोई हरज वाके ना हो रहा हो तो औरत जितना मर्जी पर्दा कर ले, शरीयत ने उस पर पाबंदी नहीं लगाई। हां, वहां लगाई है जहां कोई हरज हो रहा है। मिसाल के तौर पर हरज कभी दुनियावी होता है, कभी उखरवी होता है। बीमार हैं, मर रही हैं, फीमेल डॉक्टर मिल नहीं रही है, मेल डॉक्टर से इलाज होगा, नहीं जी हम तो, हमारे तो बुरके पे भी कभी किसी नामहरम की नजर नहीं पड़ी, तो ये मेल डॉक्टर हमारे ब्लड प्रेशर कैसे चेक कर सकता है? तो भाई रग फट जाएगी दिमाग की मोहतरमा, ठीक है ना, समझ में आ रही हो? अब ये यही फिलहाल यही डॉक्टर मिला है हमें। तो अब यहां क्या होगा कि ये हया ऐसी है जिससे फायदे के बजाय क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है ना, जिस्म को नुकसान हो रहा है। तो यहां फिर अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा इस हया को, ये जरूरत है ऐसे मौके पे। इसी तरह हया बाज दफा रुकावट बनती है शरी हुकुम को पूरा करने में। सफर कर रही है कोई खातून, डोली में बैठी हुई है, फॉर एग्जाम्पल नमाज का टाइम हो गया, जमीन डोली में तो खड़े होने की जगह नहीं होती ना, और वो खड़े हो गए सारे, डोली उठाने वाले वो सारे बैठ जाएंगे फिर, ठीक है ना। नमाज का टाइम हो गया, ट्रेन में सफर हो रहा है, जहाज में सफर हो रहा है, नमाज का टाइम हो गया। अब शरीयत कहती है भाई जाओ वुजू करो, चेहरा धो और तमीज से नमाज। नहीं जी हमें शर्म आ रही है, एक्चुअली इतने सारे जेंट्स और इतने मर्दों के बीच में मैं कैसे नमाज पढ़ूंगी, मैं तो बहुत शर्म वाली हूँ, मेरे तो आज तक नाखून किसी नामहरम ने नहीं देखा। और भाई जाओ तमीज से जाके वुजू करो, और वुजू के लिए चेहरा बहरहाल खोलना पड़ता है, तो जितना पर्दे का इंतजाम होगा, लेकिन आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी। समझ में नहीं आ रही, मेरा ख्याल आ रही है कि नहीं आ रही है? तो वुजू भी करना पड़ेगा, चाहे जगह कहीं ना हो तो मर्दों के बीच में खड़े होकर नमाज पढ़नी पड़ेगी। तो जो फराइज वाजिबात हैं, चाहे वो दुनिया के लिहाज से हो चाहे वो आखिरत के लिहाज से, उनको फोकस, उनको पूरा करके फिर जितनी मर्जी हया हो शरीयत ने पाबंदी नहीं लगे। हाँ, इसी तरह कोई बच्ची शादी होकर ससुराल चली जाती है, उसकी तबीयत में इतनी हया, एक तो शरई पर्दा देवर से जो फर्ज दर्जा है वो पूरा करना, वो तो लाजमी करना पड़ेगा, एक इतनी हया उसके अंदर है, एक्चुअली मेरे तो बुरके पे किसी नामहरम की नजर नहीं पड़ी, तो मेरे दुपट्टे पे अगर देवर की नजर पड़ गई तो मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती, लिहाजा कुंडी लगा के, कुंडी में एल्फी डाल के कमरा बंद करके बैठ गई। अब सारी बहुएं मिलजुल के घर में काम कर रही हैं, इफ्तारी बना रही हैं, एक किस्म में पकौड़े बनाने, एक किस्म में समोसे बनाने, इन्होंने कुंडी लगाई हुई है उसमें क्या डाला हुआ है, एल्फी। कि मेरी जो हया है ना, वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब की जो दादी थी ना, उन जैसा पर्दा मैं करती हूं कि दोनों तरफ कनाते लगा के डोली में बिठाया जाता है, तो हमारा पर्दा ऐसे हो। अब डोली तो नहीं है, कमरा है, एल्फी डाल दी, पूरा घर डिस्टर्ब हो रहा है भाई, तुम पेड़े खाने के लिए हो यहां पर आई हो, बस वो कुंडी खुलेगी, यहां से समोसा पार्सल किया अपने हिस्से। तो जब एक घर में रहते हैं तो घर के कामकाज में सबको मिलजुल के शरीक होना पड़ता है, ऐसी सूरत में उस बहू से कहा जाएगा भाई जो वाजिब पर्दा है, फर्ज पर्दा है, वो तो करना पड़ेगा, जो मुस्तहब है उसको क्या करो, छोड़ दो, क्योंकि इससे घर में फसाद हो रहा है, लड़ाइयां हो रही हैं। बाकी बहुएं कहेंगी ये पेड़े खाने के लिए आई है, हम यहां ये कुछ भी नहीं करती, 12 घंटे सोती हैं, और 12 घंटे इसलिए सोती हैं कि वो मजीद 12 ताके आराम से सोया जा सके, ठीक है, जैसे वो सोडानियों के बारे में सुना ना कि वो सुबह उठ के सबसे पहले आराम करते हैं, सबसे पहला काम उनका क्या होता है, आराम करना। तो इसलिए ये जो पर्दा जो है ना, ये किसकी जिम्मेदारी है, औरत की। मर्द को शरीयत ने पर्दे का मुकल्लफ नहीं बनाया है, मर्द को ये कहा है कि किसी पर गलत नजरें मत डालो। तो अगर कोई औरत किसी मर्द के पास आती है, तन्हाई में नहीं, तन्हाई में औरत और मर्द का इज्तिमा इस्लाम में क्या है, हराम है, उसमें फितने का अंदेशा हो या ना हो, किसी तन्हाई में आप किसी जवान औरत के साथ नहीं मिल सकते, इतने बड़े बुजुर्ग हो आप। वैसे अगर कोई औरत मिलने के लिए आती है तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी आया करती थी। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर क्या हुआ है कि
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، بالکل جوان تھے، خوبصورت تھے۔ ایک بوڑھا اپنی جوان بیٹی کو لے کر آیا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو حضرت فضل ابن عباس جو ہے نا اس بچی کی طرف، لڑکی کی طرف دیکھنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے ان کا چہرہ جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے یوں کر کے ادھر گھما دیا، ٹھیک ہے نا، کہ ادھر نہیں دیکھو۔ اور آپ نے کیا الفاظ ارشاد فرمائے؟ رأیت الشاب والشابۃ فخفت علیہما، میں نے ایک جوان لڑکا دیکھا اور جوان لڑکی، مجھے دونوں پہ خطرہ ہوا۔ خطرہ دونوں طرف سے ہوتا ہے نا، وہ بھی بڑے خوبصورت تھے تو اس کا آدمی ڈر تھا کہ یہ لڑکی عشق میں مبتلا ہو سکتی ہے، یہ بھی ڈر تھا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، لیکن انسان تو انسان ہے نا، پہلے مرد ہوتا ہے بعد میں وہ کچھ ہوتا ہے، عورت پہلے عورت ہوتی ہے بعد میں وہ کچھ ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو ایسے کر کے پھیر دیا۔ اس حدیث میں بہت سارے اسباق ملتے ہیں، اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس بوڑھے کو کوئی معاذ اللہ کو یوں کر کے گھمایا ہو یا فتویٰ دیا ہو کہ کیا کر رہے ہو، ہیں بچی تمہاری چہرہ کھول کے یہاں کیوں کھڑی ہوئی ہے۔ تو اتنے کوئی جذباتی جو ہے نا، جو ہمارے ہاں آج کل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے بعض علماء نے استدلال کی ہے کہ چہرہ کھولنا اسلام میں عورت کے لیے جائز ہے، لیکن دوسری حدیثیں بھی ہیں جس میں چہرے چھپانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس لیے فتویٰ تو اسی پر ہے کہ جوان عورت پر چہرہ کا پردہ کرنا واجب ہے، لیکن اگر کوئی لڑکی نہیں کر رہی تو پھر مرد کو جو نظر کی حفاظت کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ مجھے فتنے کا، بولو بھائی، اندیشہ ہے۔ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ یقین ہوتا ہے کہ یہاں فتنہ نہیں ہوگا، عورت بوڑھی ہوتی ہے بعض مرتبہ، ایسی کنڈیشن۔ دیکھو وہاں وہ جو فضل ابن عباس جوان تھے نا، ان کو نبی نے حکم دیا، اور وجہ یہ کیا بیان کی کہ یہ بالکل شاب کہتے ہیں نوجوان کو، صرف جوان کو نہیں کہتے، نوجوانی کے حکام کچھ اور ہیں، ادھیڑ عمر کے حکام کچھ اور ہیں، بڑھاپے کے حکام کچھ اور ہیں۔ تو میں جب لوگوں کو مسئلہ بتاتا ہوں نا، ان سب ان کی عمروں کا، وہ کنوارا ہے تو اس کے حکام کچھ اور ہیں، شادی شدہ ہے تو اس کے حکام کچھ اور ہیں، ایک شادی ہے تو حکام کچھ اور ہیں، چار بیوی ہیں تو حکام بالکل چینج ہو جاتے ہیں، وہ بےچارا اپنی بیویوں سے نظریں چھپاتا پھر رہا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس کی چار بیویاں ہوتی ہیں نا، میری ابھی ہے نہیں چار، میرے اوپر فٹ نہ کریں آپ لوگ، جس کی چار ہوتی ہیں نا چار، اس کو تو بےچارے کو اپنی بیگم کو دیکھنے کے لیے بھی کچھ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو عفت اور پاکدامنی آتی ہے نا نکاح سے، تو ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکا نہیں جاتا۔ مولانا طارق جمیل صاحب اگر کسی خاتون سے جا کے مل لیتے ہیں اور بہن بہن کر کے بات کر رہے ہیں، اور نیت بھی یہ کہ اس کو دین کے قریب لے کر آئیں گے، تو ان پر آپ وہ احکام نہیں جاری کر سکتے جو ایک لونڈا لپاڑا جو سارا دن عورتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ وہ تو تبلیغ بھی کرے گا تو ہم کہیں گے، میرے لوگ پوچھتے ہیں فیس بک پر، میں ایک لڑکی دوست بن چکی ہے، میں اس کو اسلام کی باتیں سکھا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آپ چھوڑ دو، آپ اس کو اسلام کی باتیں نہیں سکھاؤ، ٹھیک ہے نا، اس کے ابا ہیں، اس کے ماموں چاچا کو سکھانے دو، آپ اس سے فری ہونے کی کوشش، لیبل اسلام کا لگایا جا رہا ہے، تم جوان آدمی، تم کیوں جوان لڑکی سے دوستی لگائی ہوئی ہے بھائی تم نے؟ میں نے کہا اس کو علماء کے بیانات بھیجو، درس قرآن کے لیے بہت سارے علماء ہیں، ان کی لنک بھیج دو، تم کیوں فری ہونے کی؟ میں نے کہا اپنی اماں کو کیوں نہیں سکھایا آپ نے کبھی اتنے شوق سے، اپنی بہن کو کیوں نہیں سکھایا؟ اس کی فکر لگی ہوئی، کہہ رہے میں چاہ رہا ہوں وہ اسلام پہ آ جائے، وہ اسلام پہ۔ میں نے کہا اپنی بہن کی فکر کرو بھائی، پہلے اپنی خالہ ماموں کی فکر کرو۔ نا 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 نا، وہ چونکہ خوبصورت ہے لہذا اس کو جہنم سے بچانے کی فکر بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ تو ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکا جاتا، احکام سب کے الگ الگ ہوتے ہیں۔